दिन भर चली काउंसलिंग शाम को हुई स्थगित। भर्ती में रोक लगने से मायूस हुए अभ्यर्थी। हाईकोर्ट के रोकने के आदेश के बाद भी सुमेरपुर डायक में शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग का कार्य बुधवार को जारी रहा। अधिकारियों ने कहा कि जब तक कोई आदेश उन्हें प्राप्त नहीं होगा तब तक भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। शाम को शासन के प्रति मिलते ही अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी, जिससे शेष अभ्यर्थियों में निराशा फैल गई। प्रदेश भर में 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग 3 जून से 6 जून तक संबंधित जिलों में होनी थी। सैकड़ों की तादाद में उत्तीर्ण अभ्यर्थी डायट की काउंसलिंग कराने के लिए सुबह से हाजिर हो गए थे। प्रभारी डायट प्राचार्य व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार व उप जिला अधिकारी सदर राजेश कुमार चौरसिया आदि अधिकारियों ने मौजूद होकर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कराई थी। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अग्रिम आदेश तक काउंसलिंग कराने में रोक लगा दी। शाम 3:30 पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शासन के आदेश की प्रति प्राप्त हुई। तब तक 150 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्य पूर्ण हो गया था। आदेश प्राप्त होते ही काउंसलिंग का कार्य अग्रिम आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। उत्तीर्ण अभ्यर्थी अवधेश कुमार, प्रशांत यादव, राहुल, ज्योति, आराधना, पुष्पा देवी, राकेश कुमार आदि ने कहा कि कोर्ट के आदेश से निराशा हाथ लगी है, फिर भी उनका प्रयास जारी रहेगा। एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी।